हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी स्टूडियो में हम 3 में 1112 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या यह इससे बड़ी है? नहीं है तो एक काम करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। क्या बड़ी, अभी भी बड़ी नहीं है तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है आपका? 0 बार होता है। फिर हमने घटाना होता है, पॉइंट लगा रखा था इसके साथ, काटा थे जो संख्या है उसके साथ 1 0 लिख देना है। क्या आप बड़ी, अभी भी बड़ी नहीं है तो फिर डिवाइड हो गया 0 बार। फिर हमने माइनस किया, कितना आ रहा है? 300। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। अब डिवाइड हो गया कितना, 2 बार। कितना आ गया, 4, 2 2 और 2। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ गया, 6 7 और 7। ठीक है, पॉइंट लगा रखा तो फिर इसके साथ 0 आ जाएगा। फिर इसको हम कौन से संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये भागफल है, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो अभी हमने इस प्रकार से 3 में 1112 का डिवाइड किया, कितना मिल गया, 0.002 मिल गया। और आगे आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार हो जाएगा डिवाइड आपका, 6 बार डिवाइड होगा।